चुकाए। एक दिन आई मांगन आटो खामे, भैया अब जियनो मेरो बेकार, आज मैं दोनों लग से लुट गौने। सन घोड़ा नलने अरे भजायो, कौए पतो नहीं पेटन को पायो। बैठ जाओ आराम से। सामने जो कोई रोए आए, देखे नल सिंह बेहड़ बन में, मेरे भैया घोड़ा बजाया लेकिन कहूं भाभी चमेला आधे बेटा मांगे दी। कहा तुम बदले में दोगे यार, आज को बेटा तूने ढोला हो तो भाई तुम बदले में देते कहा। कोई ना हो चलैया न हो नाए, बारे बेटा तुमने दोनों जम गए। दोस्तों नाया जाए और मास्टर एकदम बेटा को प्योंगे दोले पागल से हो जाते हैं। दोनों बेटा को पियोग में दोनों पागल से घूमते हैं और बनी बनी जंगल जंगल दोनों मारे मारे डोलते हैं। क्या है बिकट बनी और बेहर जारी, बिकट बनी और बेहर जारी, टूकत सिंग बनी झिंगारी, किनको फटे न लेत डाल को डल लागे सुन घर में भारी। भैया अपनो की किलो कोई ना के नते पतो के तन को चलाए, मेरे भैया दोनों कुमर में लगे नाए। अवे जा के हड़ बनो मैं अबले मच रही हा हा दैया। भैया मेरे भैया मोए लागे कोम के कुम्हार, अरे सुन क्या जंगल में रे। ये सामने से एक जंगल गदैया में समझता हूँ ये प्रजापति हो सकते हैं। क्यों ये कंडा बीते शायद इनके लिए मालूम हो। दोनों भाई चल के इनसे बात करते हैं। ए बड़े प्रेम से आदमी से हाथ जोड़कर इनसे और बेटा को पता मालूम करो। राम राम। भैया मर जाता रोना तो अच्छा लगता है, लेकिन हमारे नहीं मरे हैं और नहीं हमारे लिए कोई मिलता है। इधर आओ पहले। राम राम। इनसे ये पूछे ये कौन है, ये बताइए कौन है। हम श्री श्री एक्सार श्री
प्रजापत जी। अच्छा आप यहाँ कितनी देर से हैं? प्रजापत हैं ये। भैया हमारे समय में नहीं आया, दोबारा बताइए आप हैं कौन? प्रजापत हैं। अच्छा प्रजापत भगत जी हैं। हाँ। आप यहाँ कितनी देर से हैं? सबूत से बोल। हम सा कहता श्री श्री एकसाड श्री प्रजापत उर्फ भगत जी। श्री श्री एक नो आ श्री 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 उर्फ भगत जी उर्फ भगत जी। आप यहाँ कितनी देर से हैं? बेटा राम राम। मालूम करो, इन्हें जरूर मालूम होगा। इनसे ये पूछा आप कितने खर्चे हो, कितने खर्चा देते हैं? ए भाई हम सुबह 8 बजे ही आ जाते हैं। अच्छा हमारो तो रोजाना महीना हमारो जाई में कट जाता है। हमारो हाँ क्योंकि हमारो कंडा इनन बीनन को काम है। सुबह 4 बजे आते हैं, अब शाम के 7 बजे जाते हैं। कंडा बीनते हैं अपने, गदहियों चुमाते हैं, अब आप पकाते गोलुआ पकाते। इन्हें जरूर मालूम होगा, ये बता रहे हैं कि 4 बजे आते हैं और सुबह शाम को 7 बजे जाते हैं। और आज मोए जरूरी काम है, पिद्दाने लल्लाई लगना आ रही है, 300 कुल्लड़ देने। अच्छा अच्छा मेरे 3 बजे ते दोनों बेटा चल गए जलवा से ते आज अगर कौवे देखे होए भगत जी तुमने भगत जी त्यारे दो जोड़ लो हाथ पतो कौ बता दो बेटन को रे जैसे कुमारे बरना। हाँ बरात लेके संकल दीप जा रहे। हाँ हाँ या तुमने मतलब थोड़ी देर को आराम करने को बरात जी परंतु की चोरी है ना? चोरी हो गई है भैया। देव सास भी दोनों जादूगरनी और मुंह से कह गई है मने के भगत जी अगर तुमने काऊ से कह दी तो तुम्हारो अबाना पकड़ देंगे और मुंह 300 को लड़ देने। 50 रुपये का पुरस्कार जंगपाल भगत जी, 50 रुपये झारवीर बाबा के लिए। और एक बात और नौ कह रही है पंडित भगत जी अगर तुमने काऊ से कह दी तो तुम्हारी ज्ञावन का दैया है, ऐसी जादू मारेंगे फट डाल जाएगी तो मर गए हम। ये भगत जी को सोच विचार में है, ये काम करो दुनिया लोभ के बस में, इनके लिए कुछ लोभ दो शादी बता सकते हैं? मैं बता इसने देखा तो है मैं ना बताऊंगी, ये किसी बात के लिए छुपा रहे हैं। भगत जी दो जोड़ रहो कौए पतो अगर बता दो बेटन को सुनो भगत जी तुम्हें भारी दिंगो ये नाम पतो कौ बेटन को बता दो रे। भैया 16 मोहरे इनकी जेब में डाल दो, मत ये लालच में आके बता दे। यानी दुनिया लालच के बस में है। अब ले भगत जी और बल निकाल लिए। क्या कैसे निकाल दो, ये जेब में धर रहा हूं। ये 16 मोहरे हैं, आप बेटे खाओगे? अरे लेकिन तुम्हारे हमारे बेटा का पता हो तो आप बता सकते हैं। अरे प्रजापत भगत जी को 5-5 दे दे चचेड़ा ने। अच्छा ये चचेड़ा भी खाते हैं? भगत जी कोई बात हो गई? तुम्हारी जेब में मैंने 16 मोहरे डाल दी हैं और आप कितनी प्रकार आप घबराते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप शायद इनके लिए आप जानते नहीं हैं, इनके लिए आप जानते नहीं हैं। मैंने कहा जाई खुरी नोची, खुरी नोचने की बात नहीं है। आप नाम सुनोगे तुम्हारी सब दुविधा दूर हो जाएगी। कैसे भैया? चेहरा दिंदा नु बन के आराम रहने वाले इनको राजा नलो है नाम पामनगर में
दैयो पतो बताए अरे बा पारे बेतन पूरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप दुबदा में हैं। अगर सोलह मोहरे लाल सोलह मोहरे दे दिए तुम्हारे लिए बारह काम इनाम दिए जाएंगे। अगर हमारे बेटा को पता बता दोगे तब लालच एक बड़ी बला है। हाँ। लालच में आकर के सब बात भूल गए भगत जी, कहने लगे सत्य बात तो ना बताऊंगा पर कच्चे सारो जरूर बताऊंगा क्योंकि रो रहे हैं जी। क्या सोच रहे भगत जी आप? भैया तुम जिम्मेदारी ले रहे हो कि कोई तुमसे हट गई। अगर तुम्हारे लिए कोई खटक जाए या टच कट जाए जिम्मेदारी हमारे दोनों भाइयों की होगी। अच्छा हाँ तो एक बात बता तुम्हें। बताओ। देखो हम तुम्हें बता रहे हैं। हाँ हाँ दो लूणिया है। ये लूणिया क्या होती हैं? वो काकी थे। लड़की बोले आता लड़की हमारे यहाँ तो लूणिया। तुम्हारे यहाँ पढ़ी लिखी समाज नहीं है शायद। पढ़ी लिखी सके तलूड़िया बहुत मारूंगा महाराज। हाँ हमें ना पतो। हाँ। गंगा नहा के आ रहे। अच्छा एक तो बछरा हो भाई संग। अच्छा और एक हो तोता। अच्छा दोनों के दोनों बड़े बिलकते रोते हुए जा रहे। अच्छा हाँ आंसू डालते जा रहे। तुमने हमारे बच्चों का पता नहीं देखा है। हाँ। और यहाँ से थोड़ी दूर हटके कमेंका मैया का मंदिर है। अच्छा अच्छा उस देवी का तुम जा करके यज्ञ रचो पूजा करो वो कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर बताएगी। यानी जो तुम्हारे सिमाने में देवी कमेंका मैया है। हाँ। हम दोनों भाई उसकी पूजा करेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जरूर करेगी जरूर करेगी। भगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। आपने हमारे लिए पद दोष मित्र सहारा बता दिया कि हमारे बेटों का थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। ठीक है आप बैठिए हम दोनों भाई आगे के लिए जाते हैं। देवी मैया तुम्हें जरूर बता दें। ठीक 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 है। और मेरो नाम लियो मत मत मेरो बड़फोर है जाओ और कहाँ है जाओ। कोई गड़बड़ है आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। बात ये नहीं है आप बात तो कुछ हो रही है। छिपाना है ना भैया तुमसे मैं जो बात बता रहा हूँ जैसे देवी तुम्हें निर्णय की बात बताई दी। अच्छा अच्छा जो सच्चे दिल से देवी माँ के लिए याद करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। पूरी करते हैं देवी पूरी। आप बैठिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम्हों को धन्यवाद आपने हमारे लिए इतना सहारा दिया है हमारे लिए बहुत है भैया। भगत जी नल ने दे तो छोड़े चल के पहुंच गौ देवी कमंका में। भैया ये मंदिर बताया था उस भगत जी ने। ये सामने मंदिर देवी मैया का है इसे कमंका मैया बोलते हैं। हाँ क्या कहना चाहते हैं आप मालूम करके देखो भैया। हाँ पहले आप जाइए उसके बाद मैं जाऊंगा। मैं जाऊं पहले। नल तो आगे बढ़ो मेरे यार चल के पहुंच गौ देवी के मंदिर में। आवाज दे लगा अरे देवी माँ तीन बार कहता है देवी माँ के लिए लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। राजा नल के लिए फिर गुस्सा आ जाती है। नली माँ हिला दूंगो तेरे मंदिर की ऐसी भेटूंगो तो ये मंदिर दे आज ती पूजा हो ना दियो तेरे सिमाने में चोरी है गई मेरे बारे बारे दो बेटा है तो लोग गम गए जलवा से आज अरे बेटन की मैं भीख मांग लो बेटा दइए जल्दी बता। एकदम देवी माँ घबरा जाती है दोस्तों कहने लगी क्योंकि ये छत्रधारी है शंकर जी का पुजारी है जो कह रहा है वो करके भी दिखा सकता है। कहने लगी राजा नाथ
बोल। तू नाराज मत, मैं तेरे लिए कुछ नहीं बता सकती। तेरा भाई छोटा मनसुख है, उसे भेजना, उसे मैं बता सकती हूँ। मुझसे बात नहीं करेगी? मुझसे बात नहीं करूंगी। बाहर आए गो ललतैया चले के।